कैसरगंज लोकसभा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आज एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने सुल्तानपुर कादिरपुर स्थित मालापुर गांव पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होने पर उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दीपेंद्र हुड्डा के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2012 में दीपेंद्र हुड्डा को हराकर मैं अध्यक्ष बना, तब से लगातार अध्यक्ष रहा, बीच में चुनाव भी नहीं हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ कहा कि दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा ने मिलकर मेरे खिलाफ महिलाओं का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था, फिर भी भगवान ने मेरी मदद की। आज मैं अध्यक्ष नहीं हूं, लेकिन डंके की चोट पर कह रहा हूं कि अध्यक्ष हमारे लोग हैं। वहीं संभल में हुए बवाल पर उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। वहीं बजरंग पुनिया पर प्रतिबंध लगाने के सवाल पर ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि वे कानून के ऊपर हैं, वे अध्यक्ष को हटाते हुए यौन शोषण पर आ गए हैं। उनको ट्रायल नहीं देना, नेशनल नहीं खेलना, उनको वजन नहीं देना। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि नाडा और वाडा जैसी एजेंसियां सरकार के नियंत्रण में नहीं है। जो खिलाड़ी पिनल में होते हैं उन्हें अपने स्थान की जानकारी देनी होती है। अगर उस स्थान की जानकारी मिले तो सही कारण बताना होता है, सही कारण नहीं मिला तो प्रतिबंध लगा। स्ट्रीट बस के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। उस पर मुझे नहीं बोलना, मैं इतना बोलता हूँ भगवान जो कांड हुआ, मैं उस इतना बोलता हूँ भगवान सबको सदबुद्धि दे। एक बोलो सर, आप भारतीय कुश्ती संघ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, यशस्वी अध्यक्ष रहे आप, तो आपके नेतृत्व में बजरंग पुनिया पूरे विश्व के अंदर काम किए। आज उनको डोपिंग को लेकर के उनके ऊपर प्रतिबंध लग गया 3 साल पर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो जिनका नाम आपने लिया है जी, ये कानून से ऊपर है। कानून के ऊपर है, सुनते रहिए, लिखते जाइए, कानून के ऊपर है सर। और इनका आंदोलन है, जैसे मैं अध्यक्ष था तो अध्यक्ष बनने की एक प्रक्रिया होती है। देश के लगभग 26-27 राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, वो अपने अध्यक्ष को चुनते हैं, वोटिंग होती है, और 50 के ऊपर मतदाता होते हैं। पहले 3 मतदाता एक प्रांत से होते थे, अब 2 होते हैं, घटा दिया गया, 2 होते हैं, तो लगभग 50 मतदाता होते हैं। तो 50 मतदाता मिल करके अध्यक्ष चुनते हैं, और हम जब चुने गए थे तो 84 मतदाता थे। लेकिन नहीं साहब, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ, अध्यक्ष को हटाना है जी। अब अध्यक्ष को हटाते हटाते यौन शोषण पर आ गए, चलिए वो भी बात नहीं बन पाई, तो इनको ट्रायल देना नहीं है, इनको नेशनल खेलना नहीं है, इनको वजन देना नहीं। और जो वो आरोप लगाते हैं कि इसमें मैंने सुना है कि किसी ने कहा है कि अगर मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता तो ये ना होता। हाँ जी, देखिए, नाडा और वाडा जो एजेंसी है उस पर किसी सरकार का नियंत्रण नहीं है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, और उसमें स्पष्ट है कि जो खिलाड़ी फाइनल में होंगे वो अपना स्थान बताएंगे कि मैं किस दिन कहाँ रहूँगा, और उस स्थान पर अगर वो नहीं मिलेंगे और उचित कारण नहीं होगा तो उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगेगा। तो 2 साल से जिस तरीके से कानून को तोड़ते हुए आ रहे हैं, और जाने अनजाने इनकी हर बात मानी गई, हमने तो नहीं माना, लेकिन किसी ने माना, बिना ट्रायल के भेजा, विनेश को बेईमानी करा करके भेजा जी। एक दिन में 2 वजन का कोई खिलाड़ी ट्रायल नहीं दे सकता है, फिर भी एडहॉक कमेटी ने ट्रायल कराया 2 वजन में, और ये 5-0 से पहला राउंड हार गई थी, और इसने हंगामा किया तो इसको जिता करके भेज दिया, भगवान ने इसको वहां से फादर से पटक दिया। तो ये लोग कानून के ऊपर हैं, लेकिन कानून अपना काम करेगा तो करेगा, कानून काम कर रहा है। दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कुश्ती संघ के मामले में? देखिए, ऐसा है, मैं दीपेंद्र हुड्डा को ही 2012 में हरा करके अध्यक्ष बना था, और तब से लगातार मैं चल रहा था। उसके बाद से चुनाव नहीं हुआ, एक बार चुनाव हुआ था, दीपेंद्र हुड्डा लड़े थे, पूरे देश का समर्थन था, कभी चुनाव हुआ नहीं। महाभारत में एक बार पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा करके जुआ खेला था, तो देश उनको आज तक
जब ये बात आती है पांडव वाली, तो महाभारत मतलब एक कलंक है, वो कोई जायज नहीं ठहरा पाता है। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों ने मिल करके महिलाओं का प्रयोग मेरे खिलाफ किया। ये महिलाएं, ये पहलवान अपने आप नहीं आए थे, किसी को डिप्टी एसपी बनाने का वादा किया गया था, किसी को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था, और उसी आधार पर आए, और फिर भी भगवान ने मेरी मदद की। आज मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन हमारे लोग हैं बनारस से, ओपन बोलता हूँ, नहीं हमारे लोग हैं जी, हमारे लोग किसी के दया पर नहीं है। वोट पड़ा था 50 वोट में, एक वोट बाहर था, 42 वोट पा करके संजय सिंह अध्यक्ष हैं जी। संजय सिंह हैं, भुजार समाज से हैं, हमारे भाई तरह हैं, बनारस से अध्यक्ष हैं, 42 वोट, और उसमें 6 वोट नाजायज हैं जो मैंने बनवा दिया था किसी कारण से, नहीं तो 100% अपने हैं, तो वो भी इनको नहीं मिला, तो भगवान है। आपके खिलाफ जो कुचक्र चला, इसमें लोग बताते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा की मुख्य भूमिका रही। देखिए, ऐसा केवल दीपेंद्र हुड्डा नहीं है, एक शेर है, इतने गहरे घाव कहाँ से आए होंगे।